आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं मंजरी, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। किसान विरोधी तीन कृषि काले कानूनों के खिलाफ पिछले तीन महीने से विभिन्न राज्यों से सटे दिल्ली बॉर्डर समेत पूरे देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कृषि कानूनों को वापस करने और किसानों की फसलों को उचित दाम देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग पर आंदोलन की कड़ी में आज देशव्यापी रेल चक्का जाम का आह्वान किया गया है। आंदोलन के साथ एकजुटता जाहिर करने के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले विभिन्न राजनीतिक, प्रगतिशील और सामाजिक संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कोडरमा जिला के जयनगर प्रखंड स्थित हिरोडी रेलवे स्टेशन में हावड़ा दिल्ली ग्रैंड कोर रेल लाइन में सांकेतिक रेल चक्का जाम किया गया, जहां तानाशाह मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी कानून वापस लो, आंदोलन कर्मियों पर देशद्रोह का झूठा मुकदमा करना बंद करो, दिशा रवि और नवदीप कौर को रिहा करो समेत विभिन्न प्रकार के नारे लगाए गए और रेलवे ट्रैक पर ही सिविल सोसाइटी के संयोजक उदय द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई आम सभा को आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर संतोष मानव दामोदर यादव, सीपीआई नेता सजीव सदस्य महादेव राम, जिला मंत्री प्रकाश रजक, किसान नेता महेश सिंह, अर्जुन यादव, उप प्रमुख वीरेंद्र यादव, माले के जिला सचिव मोहन दत्ता, विजय पासवान, राजेंद्र मेहता, प्रकाश यादव समेत कई लोगों ने संबोधित किया। इस अवसर पर मोर्चा के नेताओं ने कहा कि किसान यह लड़ाई सिर्फ अपने पसीने पर अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि देश के गरीबों की रोटी को अंबानी और अडानी के तिजोरी में कैद होने से बचाने के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं। किसानों की इस ऐतिहासिक आंदोलन ने देश को एकजुटता के सूत्र में बांधा है। नेताओं ने कहा कि भाजपा का राष्ट्रवाद का मतलब देश की संप्रभुता को गिरवी रखना है। मोदी सरकार कोरोना महामारी का फायदा उठाकर बैंक, बीमा, रेलवे, पेट्रोलियम समेत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को देशी विदेशी पूंजीपतियों के हवाले कर रही है, जिसका ताजा उदाहरण बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निजीकरण करने का फैसला है। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम के साथ रंजीत भारती की रिपोर्ट। आज देशव्यापी रेल चक्का जाम पूरे देश भर में हो रहा है और उसी रोशनी में किसान संघर्ष मोर्चा कोडरमा जिला हम लोगों ने मीटिंग करके तय किया कि जो 33 कृषि काला कानून मोदी जी जो देश में लाए हैं, ये तीन कृषि काला कानून के खिलाफ पूरे देश में किसानों के बीच आक्रोश है। इसलिए आक्रोश है, हम लोग जब गांव-गांव में जाते हैं, किसान महापंचायत करते हैं, तो लोगों के बीच कहना है कि मोदी जी ये तीन कृषि काला कानून जब तक वापस नहीं लेते हैं तब तक हम लोग जो है सड़क पर उतरेंगे। आज हम लोग रेलवे स्टेशन हिरोडी में रेल चक्का जाम किया हूँ और यदि कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम करेंगे। इसलिए मोदी जी से हम लोग आग्रह करते हैं कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है, आप वार्ता करें और तीन कृषि काला कानून वापस लेने का काम करें, और यदि आप वापस नहीं लेते हैं तो हम किसान संगठन पूरे देश भर में आंदोलन चलाएंगे, गांव-गांव में किसानों के बीच जाएंगे और किसानों को सड़क पर उतारने का काम करेंगे। बाध्य होकर के मोदी जी को काला कानून वापस लेना होगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।